बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। फैसल वाडा मुस्तफा कमाल के खिलाफ तोहीन अदालत आज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल की फौरी मुआफी की सजा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का कहना था, कभी हमने ये कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसीख क्यों दे दी? आपने किस हैसियत में मीडिया टॉक की? आप क्या बार काउंसिल के जज हैं? यहाँ भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट कर जाते हैं, जो करना है करें, बस झूठ तो ना बोले। तोहीन अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत के रिमार्क्स, अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है, पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं गैर जमादराना रिपोर्टिंग पर है। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के कारोबारी रवाबित को फरोग की जानिब अहम कदम है। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वफाकी हुकूमत का मौजूदा नेट मीटरिंग सिस्टम ख़त्म करने का फैसला। सऊदी सरमायाकारों के साथ 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म की दोनों फैसलों से मुतल्लिक समरी अरसाल करने की हिदायत। सोलर सिस्टम नसब करने वाले सार्फिन पर महाना फिक्स्ड चार्जेस आयद करने का फैसला। नेट मीटरिंग रेगुलेशन में तरमीम, अलग टैरिफ कैटेगरी मुतारिफ कराने का फैसला। समाजी कारकुन साम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में जेरे हिरासत। साम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। साम बर्नी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। और नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। काबीना की मीटिंग के बाद भारतीय वज़ीर आज़म की सदर की रहायशगाह आमद। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने लोकसभा तहलील करने के लिए सिफारिशी खत पेश कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए SNN न्यूज़।